बिजनौर की रहने वाली अरीबा खान, जिसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के तहत महमूद इशाक नाम के शख्स से 2012 में हुई थी, उसी दिन से पेशे से सऊदी अरब के कतर में बतौर इंजीनियर के पद पर रहकर नौकरी कर रहा है। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद से ही पति दहेज की मांग करता था और साथ ही मारता पीटता भी था, जिसकी वजह से महमूद अपनी बीवी को छोड़कर सऊदी चला गया। 9 अप्रैल 2015 को कतर से ही पति ने अपने बीवी को फोन के जरिए 3 तलाक दे दिया, जिसकी वजह से कई सालों से थानों के चक्कर काट रही अरीबा को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। अब पीड़िता के परिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी अरीबा अपनी 3 साल की मासूम बेटी के साथ अपने मायके में रह रही है। मेरा नाम जवाहर खान है जी। क्या परेशानी है आपको बेटियों के बारे में? परेशानी ये, मेरा बेटी की 11-12 में शादी की थी, बड़ी हसरत से और बड़ी उम्मीद के साथ जी। वो क्योंकि लड़का इंजीनियर था कतर दोहा में जी, और जो भी मेरी हैसियत की बाहर मैंने उसको दिया था, अपनी हैसियत से दिया था, मगर वहाँ पर उन्होंने मेरी बेटी को 9 अप्रैल को रात के 10 बजे मेरे ही फोन पर 3 बार तलाक दे दी। मेरा नाम अरीबा खान है, मैं बिजनौर से हूँ। मेरी शादी 11 नवंबर 2012 में महमूद इजाक के साथ नहटौर में हुई थी। जब से मैं ससुराल में गई हूँ पहले दिन से उन लोगों ने मुझे परेशान रखा। बात बात पर वो पैसे की मांग करते थे, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ अपने माँ बाप की, तो उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शादी भी यही सोच कर की कि बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा शायद उन्हें नहीं लगा। जो हमने उन्हें दिया उन्हें वो उनके लिए कम था। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते थे दोहा कतर में, तो वो 1 महीने बाद ही शादी के बाद बाहर चले गए और मुझे वहीं अपने ससुराल में छोड़ गए नहटौर में। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। ज़्यादातर टाइम मैं अपने घर ही रही। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पर वो मुझे ले गए और मेरी डिलीवरी यहीं पर बिजनौर में कुंदन हॉस्पिटल में हुई, वो भी मेरे माँ बाप ने ही कराई। उसके बाद 1 साल बाद मैं हस्बैंड के साथ दोहा कतर गई, वो भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से पासपोर्ट बनवाया मैंने खुद ही, और मैं उनके साथ गई, क्योंकि हमने शादी से पहले ही ये बात मेरे माँ बाप ने कही थी कि लड़का ले जा सकता है लड़की को बाहर अपने साथ या नहीं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो ले जा सकते हैं। वहां पर भी क्योंकि वो जोर जबरदस्ती से लेकर गए थे, बहुत परेशान रखा मुझे, मारपीट की, यहाँ तक कि गाड़ी से मुझे मारने तक लेके गए वहां पर। फिर शायद ये सोच के उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि शायद हम दोनों, मेरी बेटी और मैं, बच गए और उन्हें कुछ हो गया। उन्होंने जो भी सोचा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया वहां पर, खूब लड़ाई झगड़े किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कि उनकी जॉब खत्म हो गई है, मुझे वापस इंडिया ले आए और मुझे अपने घर छोड़ गए, और ये कहकर गए कि दूसरी जॉब की तलाश में जा रहे हैं, जब वो मिल जाएगी तो आकर मुझे ले जाएंगे। उससे 2-3 महीने बाद 9 अप्रैल रात में उन्होंने मुझे 3 बार तलाक फोन पर दी, और उस वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। उनके माँ बाप से पूछते हैं तो वो भी कोई ठीक से जवाब नहीं देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या फ्यूचर होगा। मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है, योगी जी को भी लिखी है, और मैंने यही सोचकर उन्हें वोट भी किया था कि जैसे उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो इस बेटी की तरफ भी ध्यान देंगे, मेरी मदद करेंगे। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, उसकी मदद करेंगे, उसे इंसाफ दिलाएंगे। और जो जी पुलिस में ही मैंने कंप्लेन की है, रिपोर्ट लिखवाई भी है, लेकिन पुलिस भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। 2-2.5 साल हो चुके हैं मेरी, जो उन्होंने मुझे फोन पे तलाक दिया है, जब से मैं अपने ही घर में रह रही हूँ बिजनौर में माँ बाप के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी मेरी मदद करें और उन्हें सख्त से सख्त सजा दें, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना कर सके, कि लड़की को यूज एंड थ्रो ना समझे, इस्तेमाल करके ऐसे कहीं भी फेंक ना दें अपनी मर्जी से।